हेलो एवरीवन, आई एम इबादुर रहमान एंड दिस इज थर्ड वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 5A क्लास 11 मैथमेटिक्स. इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड टेन अल्फा प्लस थीटा बीटा गिवन साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, कॉस बीटा 5/13, अल्फा एंड बीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेम एज सेकेंड क्वेश्चन बट अल्फा इन क्वाड्रेंट सेकेंड एंड बीटा इन क्वाड्रेंट थर्ड. तो देखिएगा दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है. यहाँ पर अल्फा बीटा आपका सेम क्वाड्रेंट में है, तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. ट्राइंगल के फॉर्म में ट्राइंगल के दो साइड है, एक ट्राइंगल में अल्फा रख लेंगे और एक ट्राइंगल में बीटा रख लेंगे. यहाँ से हम तीनों साइड मालूम कर सकते हैं अल्फा की हेल्प से, और यहाँ से हम बीटा की साइड तीनों साइड मालूम कर सकते हैं बीटा की हेल्प से. उसके बाद जब हमें साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है या कॉस अल्फा प्लस बीटा या टेन अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो उस ट्रायंगल की हेल्प से हम सारी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों है, तो चाहे साइन की वैल्यू निकालें या कॉस और टेन की वैल्यू निकालें, सारी वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव होंगी. तो ये क्वेश्चन तो आपका इजी है, हम सेकेंड पार्ट बता रहे हैं, तो इसमें वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए सेकेंड पार्ट को समझ लेते हैं. उसकी हेल्प से आप फर्स्ट पार्ट अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 13 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट. कॉस अल्फा इज इक्वल टू -12/13 एंड कॉट बीटा इज इक्वल टू 24/7. देखिए यहाँ पे कॉट दिया है, कॉस नहीं है, ये भी समझिएगा जरा सा बात को. एंड अल्फा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, बीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट. अब यहाँ पर अल्फा और बीटा आपका अलग अलग क्वाड्रेंट में है. यहाँ पर दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो कोई चेंज था ही नहीं, वो तो 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था. बट यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें अलग है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. 13 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट. अब ये देखिए क्वेश्चन का एक तरह से शॉर्ट में लिख दिया, कॉस अल्फा -12/13 एंड कॉट बीटा इज इक्वल टू 24/7, अल्फा इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड बीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन में दिया है. अच्छा, अगर एक ट्राइंगल बनाए तो ये समझिएगा, अब जैसे समझने वाली बात क्या है कि अल्फा और बीटा अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल में शो करिएगा. ऐसा कहीं नहीं कहा गया ना कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर ऐसा होता तो एक एंगल अल्फा होता दूसरा बीटा होता, बट ये कंडीशन तो है नहीं आपके पास. आपको कॉट अल्फा किसी अलग राइट एंगल में बनाना होगा, बीटा को अलग राइट एंगल में शो करना है. क्लियर? नाउ अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू -12/13. अगर हम सिर्फ रेशियो की बात करें, पॉजिटिव या निगेटिव साइन, तो ये डिपेंड करेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है. ट्राइंगल की साइड तो आपकी पॉजिटिव होगी, तो कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. सो विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम वी गेट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, सो वी गेट एज ए 5. क्लियर? ये तो मालूम कर सकते हैं आप, बहुत छोटी सी चीज़ है. नाउ एंड कॉट बीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस, इट विल बी 25. क्लियर? ये भी पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हैं. तो अब हमको दोनों ट्राइंगल में सारी वैल्यूज मालूम हो गई. हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करना होगा तो इस दोनों ट्राइंगल की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं. अब आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड टेन अल्फा प्लस बीटा. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा. लुक हियर, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया. लेकिन जब हम साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा की वैल्यू रखेंगे, तो साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी और कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, या साइन बीटा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी. मतलब साइन अल्फा और कॉस अल्फा यहाँ से रखा जाएगा और साइन बीटा और कॉस बीटा यहाँ से, बीटा की वैल्यू होगी तो यहाँ से, अल्फा की वैल्यू होगी तो यहाँ पर. लेकिन उसको सॉल्व करते वक्त जब हम अल्फा और बीटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा की वैल्यू रखेंगे, तो उस वक्त हमको ये ध्यान देना है कि हमारा एंगल अल्फा और बीटा किस किस क्वाड्रेंट में है. जैसे अल्फा आपका कहा गया था फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे अल्फा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस की वैल्यू निगेटिव होगी. मतलब हम साइन अल्फा की वैल्यू अगर रखेंगे तो पॉजिटिव रखेंगे और कॉस अल्फा की वैल्यू अगर रखेंगे तो निगेटिव रखेंगे. इसी तरीके से बीटा हमारा कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों की वैल्यू निगेटिव होगी जबकि टैन की वैल्यू पॉजिटिव होती है. तो हम साइन बीटा और कॉस बीटा दोनों की वैल्यू निगेटिव रखेंगे, टैन की अगर रखना होगा तो टैन की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे. तो इस तरीके से साइन अल्फा की वैल्यू जब रखी जाएगी तो पॉजिटिव, कॉस बीटा की वैल्यू रखी जाएगी तो निगेटिव, कॉस अल्फा की वैल्यू रखी जाएगी तो निगेटिव एंड साइन बीटा की वैल्यू रखी जाएगी तो निगेटिव.
इसका मतलब ये हो गया सिर्फ साइन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पर जो आपको रखनी है वो निगेटिव है। आइए अब वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए यहाँ के एंगल से अगर हमने वैल्यू पुट कर दिया तो साइन अल्फा पॉजिटिव, कॉस बीटा निगेटिव, कॉस अल्फा निगेटिव, साइन बीटा निगेटिव, ठीक है ना। बोला था ना कि सिर्फ साइन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी कॉस अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा सारी वैल्यू निगेटिव बननी है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। आप कुछ कैंसिल करना चाहिए कैंसिल कर दीजिए, बट 13 × 25 एज ए एलसीएम सेम हो जाएगा कि कॉमन एलसीएम है तो कैंसिल करना बेहतर नहीं होगा, आपका कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा कैंसिल ना करने से। उसके बाद लास्ट में आप कैंसिल कर लीजिएगा, आपको फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मालूम हो जाएगा, क्लियर। अब हमको फाइंड करना था कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो फिर से वही अल्फा और बीटा का ध्यान दीजिएगा कौन किस क्वाड्रेंट में है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस के लिए प्लस आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फा माइनस बीटा की, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, सॉरी यहाँ पे प्लस कर लेते हैं क्योंकि माइनस है तो कॉस के साथ यहाँ पे प्लस बन जाएगा, क्लियर। फिर से सारी वैल्यूज आपको ध्यान देनी है कि कौन कौन सी पॉजिटिव है, सिर्फ और सिर्फ साइन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब निगेटिव होगी। आइए सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू निगेटिव होगी, कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन 13, ये कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई। कॉस बीटा की वैल्यू निगेटिव होगी, कॉस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 24 अपॉन 25, क्लियर। नाउ यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये तो फॉर्मूले की वजह से। साइन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी 5 अपॉन 13 एंड साइन बीटा की वैल्यू भी आपकी निगेटिव हो जाएगी 7 अपॉन 25। अब इस टर्म को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि आपको साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम हो गई और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम हो गई, सॉरी आपको कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी थी ना, सॉरी ये कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, वो तो फॉर्मूला आप समझ रहे हैं मेथड की बात है। कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे माइनस आएगा और ये माइनस हो जाएगा। अच्छा अब हमें साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम हो गई और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम हो गई, अगर ये दोनों वैल्यूज़ मालूम है तो हम टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फा प्लस बीटा की, जो वैल्यू आपको मिली होगी वो रख दीजिएगा एज ए न्यूमरेटर, एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो रख दिया जाएगा। बस अगर दोनों वैल्यू को हम रख के सिंप्लीफाई कर लें तो हमको टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम हो जाएगी, क्लियर। इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरीके से 14 एंड 15 पार्ट भी है, उसको भी ऐसा ध्यान से समझिए कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन क्या होगा। वैल्यू तो सेम होगी सब जगह बट साइन बदलता रहता है, कहीं पॉजिटिव है कहीं निगेटिव है, वो डिपेंड करेगा कि आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। तो ये चीज़ क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 13th और 14th को लगाने की कोशिश करिएगा। उसके बाद अगर से कोई प्रॉब्लम होती तो 100% आप व्हाट्सएप पे पूछिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।